से बड़े बड़े खतरनाक एरिया में बहुत बड़े बड़े लोग हिमानी जा रहे हैं। देहरादून में काफी सुंदर जगह बताई जाती है। अब किधर जाए, अब देखना पड़ेगा। अरे रास्ता बता, तो हम लोग भाई रास्ता बता, हिमानी जा रहे हैं आज। अब रास्ता नहीं पता चल रहा है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं किवाड़ी के रास्ते में। किवाड़ी का रास्ता अब जा रहा डरावना सा लग रहा है, जानवर भी हो सकते हैं, आज खतरों का सामना करने निकल चुके हैं। शाम भी होने वाली है और हमें वापस कभी पहुंचना है। बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, गलत कहीं जा रहे हैं यार, किमानी जा रहे हैं। अरे रास्ता थोड़ा बताएंगे, क्लियर करेंगे। सही है, यहाँ सब जा रहे हैं, वहीं चलते रहो। ऐसे नहीं पता कहीं और पहुँच गया, घर भी वापस जाना है भाई। अब दो रास्ते, कौन सा रास्ता है हमारा? रुक जा, ट्री ऑफ लाइफ। छह किलोमीटर सफर तय करना बाकी है। एक फिर पुल आ गया है। आप बताइए कौन सा पोल से जाना है? हमारी उधर जाना है, नीचे या ऊपर? ऊपर हमारी मंजिल ही पता नहीं। मैं पैसे निकालूंगा क्योंकि आज इतना बड़ा उसको नया वीडियो बनाने को मिला है और एक नई जगह ढूंढने को मिली है। अभी आओ जो हमारे साथ आए, कल भी पप्पा जी के साथ आएंगे गाइस। किलोमीटर ये लोग सही टाइम पे जा रहे हैं। हमें लगता था हम गलत टाइम से निकल रहे हैं, जल्दी निकलना होगा क्योंकि सूरज भी अस्त होने वाला है और हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। जब तक एक छोटा सा देखिए पहाड़ गिर सकती है, पहाड़ गिर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये पहाड़ काफी पीले पहाड़ है। वो देखिए वीडियो बनाए हैं मारी बढ़िया व्यू और मजे लो एक शांति प्रिय जगह का। फाइनली हम लोग किमानी पहुंच गए हैं। गाइस अभी नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ दूर है, 800 मीटर यहां से रह गया है किमानी। गाइस अभी दूर है हम, तो गाइस ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड हो सकता है। गाइस सो गाइस गाइस वी आर ऑन द वे। ये तो गाइस क्या करें, उसी टाइम यहाँ जाना चाहिए था गाइस।
कैफे में रुके हैं किमाणी में थोड़ी सी देर, ठीक लगा हमें यहाँ पे रुकना, अच्छा है। अच्छा लगा रुक के, चाय वाय पी है थोड़ा, यहाँ पे मैगी वैगी खाई है। अब हम चलते हैं वापस, काफ़ी दूर जाना है।